हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की अध्याय 2 की धारा 6 एवं 7 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। अध्याय 2 की धारा 6 के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में जानेंगे, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, कि दंड न्यायालय जो है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो दंड न्यायालय? नंबर एक सेशन न्यायालय, दूसरा हो गया प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये हो गया धारा 6 से रिलेटेड दंड न्यायालयों के वर्ग। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं धारा 7 के बारे में। धारा 7 प्रादेशिक खंड टेरिटोरियल डिवीजन से संबंधित है। तो प्रादेशिक खंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रायोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। नंबर दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। चार पॉइंट कहता है कि किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।